प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुली की भारतीय जनता पार्टी विधायक गणेश नायक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक और श्री गणेश जी नायक ब्लड डोनर चेन अंतर्गत सानपाड़ा में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के औचित्य पे पखवाड़ा सेवा सप्ताह अंतर्गत आयोजित इस महारक्तदान शिविर का उद्घाटन एरोली के विधायक गणेश नायक के माध्यम से किया गया, जहां इस अवसर पर उनके साथ श्री गणेश जी नायक ब्लड डोनर चेन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नायक, नवी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप नायक व पूर्व नगर सेवक, पूर्व नगर सेविकाएं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। कहते हैं कि रक्तदान महादान, और इसी बात को चरितार्थ करते हुए सानपाड़ा में आयोजित इस भव्य रक्तदान शिविर का गणेश नायक ने बेहद बारीकी से मुआयना करते हुए तमाम ब्लड डोनर से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं ब्लड डोनर्स को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाही भी की। इस दौरान गणेश नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नवी मुंबई में भाजपा की लहर है। आज नवी मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों का अनुसरण करने वाले लोग हैं। ऐसे में गणेश नायक ने पीएम नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष की उपाधि देते हुए यह दम भरा कि 2024 में फिर एक और बार देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका जनता पीएम नरेंद्र मोदी को ही देगी। संजू नायक, संदीप नायक, सूरज पाटिल, इनके माध्यम से ये सेवा सप्ताह सेवा पंद्रहवड़ा की शुरुआत हुए रक्तदान से। दिव्यांगों का जो भी कुछ प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे सहभागी होंगे, उनको मदद की जाएगी। महिलाओं के लिए कार्यक्रम रहेंगे, युवा लोगों के लिए कार्यक्रम रहे, यानी आने वाले 15 दिन में हर दिन नई मुंबई के 111 वार्ड में कहन कहन समाज सेवा की बुनियादी तौर पे शुरुआत की कही की गई होगी या होने वाली होगी। नरेंद्र जी मोदी, इनकी पहचान पंतप्रधान तौर पे ही नहीं तो पूरे विश्व में जो अशांति है, भय है, वो भय मिटाने के लिए लोग भारत की ओर आशा के साथ देख रहे हैं, और पक्का इरादा है सभी कार्यकर्ताओं का और अभी जन सामान्य भी उसमें सहभागी होने लगे कि देश सभी बातों से स्वयंपूर्ण रहे। 9 साल जिनके कार्यकृति को पूरे हो गए, करीबन 9.25 साल ऐसे नरेंद्र जी मोदी साहब के और लोग अपने विश्व के एक नेता के तौर पे देख रहे हैं, और विश्वास है कि खाली ये उनकी 10 साल की सेवा नहीं, आने वाले फिर से 2024 से लेके आगे पूरे विश्व में शांति रहेगी, कोई किस पर हमला न करे, कोई किसको डराने की कोशिश न करे, इस बात का सिलसिला आगे आगे बढ़ते जाएगा। निर्भयता के साथ लोग धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग के आगे जाके, पक्ष के आगे जाके भी यहाँ पे जीवन बिताएंगे, और वो बिताने के लिए मोदी साहब को ज़्यादा आयुर्मान मिले, ऐसी सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए आयोजक डॉक्टर संजीव नायक ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस सामाजिक उपक्रम में जनता की भागीदारी और दायित्वों को मील का पत्थर करार दिया। आदरणीय देश के कर्तृत्ववान और पूरे विश्व को एक विश्व गुरु के नाम से जाने वाले हमारे माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा 15 दिन की, 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा अलग अलग माध्यम से हो। आज श्री गणेश जी नायक ब्लड डोनर चेन के माध्यम से आरोग्य यानी कि हमारे सेहत के बारे में ध्यान रखने का एक बड़ा जिम्मेदार हमारे ऊपर था, और मुझे खुशी है कि संदीप जी नायक जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनके माध्यम से 2015 से शुरुआत हुई ये ब्लड डोनर चेन। सभी भारतीय जनता पार्टी के नवी मुंबई के सभी नेता, नगर सेवक, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को और नवी मुंबई की जनता को जो डोनेट कर रहे हैं अपना योगदान इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारा लक्ष्य है कि हर महीने में 1000 ब्लड डोनेशन
के माध्यम से ब्लड यहाँ इकट्ठा किया जाएगा। 111 वार्ड है और पूरे साल भर में 12,000 तक इसकी संख्या जाए, और रक्तदान करना ये श्रेष्ठ दान है, कई लोगों को इससे जीवन दान मिल जाएगा। बता दें कि 2015 में श्री गणेश जी नायक ब्लड डोनर चेन की स्थापना हुई थी। तब से आज तक संस्था के माध्यम से हजारों की संख्या में रक्त संकलन करते हुए सामाजिक दायित्व को निभाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और ये कार्यक्रम उसी का एक रूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क।